हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे। कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया। आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी, उसके पहले जब आप डॉक्टर की जाँच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहे हैं सबको, सबको नजर आ रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है। ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी कार्तिकेय जी, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की पांच बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जय स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, यह साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं, कुशा के जल को साधारण नहीं कहा।